सुशील मोदी बोल रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं, फिर रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है वो दिखाएंगे, वो भी आक्रामक है। बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उप नेता चुने जाने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 घंटे के अंदर नई सरकार का गठन हो जाएगा। भाजपा ने क्या देरी की है, पहले ही ये हो जाना चाहिए था इस तरह की व्यवस्था। चूंकि आप लोग जंगल राज की बात कर रहे थे, बिहार में जंगल राज हम लोग के हाथ में नहीं था। भाई नीतीश जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और गठबंधन से अलग नहीं होंगे तब तक नई सरकार कैसे बन सकती है। तो जब उन्होंने फैसला लिया और अलग हो गए तो बीजेपी से जब उन्होंने समर्थन मांगा तो बीजेपी ने अपना समर्थन दिया। हमारे सारे विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास गए हुए हैं, वहाँ पर दोनों दलों के मिलकर नेता का चुनाव होगा, उपनेता का चुनाव होगा और उम्मीद करता हूँ कि शाम को 5-6 बजे तक नई सरकार का गठन होगा।